तो यार अभी हम जो यहाँ रुक गए थे, सर्दी लग रही है बहुत, आप देख रहे हैं जो सर्टी शर्ट डाली हुई है, और पीछे पीछे का नज़ारा एकदम गजब है। जो इसे देखने के बाद जो मतलब इस तरह से ऐसा कहना चाहिए कि रुका नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर रुक गए, मन नहीं माना, यहाँ पर रुक गए। और ऊपर से बारिश भी हल्की हल्की गिर रही है, तो अभी जो कपड़े पहनने हैं और यहाँ से चलना। और अभी जो है थोड़ा सा इधर का भी मैं दिखा देता हूँ, ये पीछे का सीन आपको, और ऊपर का नज़ारा भी कुछ इस तरह का है। और अभी जो हम रूम लेंगे और वहीं पर मिलेंगे रूम पर। यार अब ठंड बहुत हो गई है, हालत हो पड़ी है ख़राब, बाइक जो है चल नहीं रही है सर्दी की वजह से। तो अभी जो है कुछ स्वेटर वगैरह डालते हैं और चलते हैं रूम पर, मिलेंगे रूम लेने के बाद, जहाँ भी मिलेगा, हॉस्टल में मिले या कहीं और मिले। तो हम लोग जो धराली में रुके, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने होटल है, इसमें हम रुके। पीछे हर्सिल वगैरह में जो रूम नहीं मिल पाया था, और वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो कैमरा भी हमें जो ऑफ करना पड़ गया था। और अभी सुबह हो चुकी है, और हम यहाँ से जो धराली से गंगोत्री के लिए निकलेंगे। तो यार यहाँ पे जो रूम है हमें 1000 रुपये में मिल गया था, ठीक ठाक सा था। और हर्सिल में जब हम पहुँचे तो वहाँ जो कॉस्ट थी 5000 रुपये, जो हम मतलब उसे नहीं ले सकते थे, इतना पैसा हमारे पास था नहीं। तो बाइक में भी कुछ सेल्फ वगैरह में दिक्कत हो गई, तो अभी हम जो यहाँ से गंगोत्री के लिए चलेंगे, और जो जो शानदार नज़ारे जो भी रास्ते में पड़ेंगे हम आपको सब जो दिखाते हुए चलेंगे। तो आगे के लिए चलते हैं। चले तो अभी हम जो है धराली से चल दिए हैं, आज का सफर हो चुका है शुरू, और गंगोत्री की तरफ को हम चल रहे हैं। और ये बराबर में जो भागीरथी जी हैं, भागीरथी नदी जो आगे चल के गंगा जी हो जाती है, और सुबह ही सुबह का बहुत मस्त नज़ारा है। सामने से जो है सूर्य देवता जो चमक बखेर रहे हैं अपनी, ठंड काफ़ी थी रात यहाँ। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो तीसरा दिन है, और यहाँ पे जो चीड़ और देवदार के पेड़ है, चीड़ के पेड़ हैं ये जो साइडों में दिखाई पड़ रहे हैं सब। ये सभी चीड़ के पेड़ हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है यहाँ, तो ये जो चीड़ के पत्ते नुकीले होते हैं, इस पर से बर्फ़ जो नीचे गिर जाती है, और बर्फीले इलाकों में ये पेड़ होते हैं। तो सर्दी बहुत बढ़िया वाली है, अभी भी सुबह ही सुबह धूप तो निकल रही है। दोनों साइडों में बहुत ही शानदार नज़ारा। कुछ पता नहीं मौसम चेंज की वजह से सर्दी से गले में भी कुछ दिक्कत सी हो गई है। वो यहाँ से गंगोत्री जो अभी कोई बोर्ड वगैरह आया तो नहीं है, कितनी दूर है, अभी कोई आएगा तो पता लग जाएगा कितनी दूर और हमें चलना। ये सिंगल रोड है, ये तो बसें आती हैं नहीं, तो बाइक वाले को तो जगह ही नहीं देती बिल्कुल भी, जो बड़ी दिक्कत होती है साइड में। और एक चीज़ और है यार, उत्तरकाशी से जब चले ना तो पेट्रोल फुल करा ले अपना। और यहाँ एक शानदार रपटा है ये,